अलीगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के शासन स्तर से प्रयास चल रहे हैं। इसी दिशा में जिला स्तरीय अस्पतालों को लखनऊ के स्वास्थ्य भवन से ऑनलाइन जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में 16 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से अस्पतालों में हर गतिविधि पर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की नजर रहेगी। स्वास्थ्य निदेशालय से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अलीगढ़ में जिला मलखान सिंह अस्पताल, जिला महिला अस्पताल व दीनदयाल अस्पताल में कैमरे लग चुके हैं। लखनऊ स्थित स्वास्थ्य भवन में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इसी सेंटर से प्रदेश के सभी जिला स्तरीय अस्पताल ऑनलाइन जोड़े जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक डॉक्टर राजा गणपति आर ने 13 मई को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा था कि अस्पतालों में 16 अलग अलग स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं। कैमरों के माध्यम से अस्पतालों में निगरानी करने का उद्देश्य व्यवस्थाओं को सुधारना है। अस्पतालों में साफ सफाई न होना, चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों का समय पर न आना, मरीज व तीमारदारों से अभद्र व्यवहार जैसी शिकायतें अक्सर मिलती है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है बल्कि अराजकता का माहौल भी बनता है। इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया गया है। इसके अलावा कैमरों के लिए एक एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ सरकार की मंशा के अनुरूप जो उन लोगों ने SOP बनाया हुआ है, सरकार की तरफ से हमें निर्देश है और 16 जगह पे कैमरा लगाने के निर्देश हुए हैं, जिसमें 3 जगह हमारे पास चिन्हित नहीं है वहाँ के हिसाब से, तो बाकी सब जगह हमने CCTV लगवा दिया है और चालू है। ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है इसकी रेगुलर। समाज में जनता को बहुत फायदा होगा इससे। मरीजों को देखते हुए किस तरह का लाभ मिलेगा मरीजों को ये लाभ मिलेगा कि जब कॉन्स्टेंट सर्विलेंस होता है, विजिलेंस होती है, तो हर कोई मुस्तैदी से अपना कार्य करता है, तो उसमें मरीजों को ज्यादा ही सुविधा मिल जाएगी।